जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आदिवासियों पर अत्याचार, ये सब भाजपा की देन है। कांग्रेस की सरकार इन सब से जनता को मुक्त करवाएगी। डिंडौरी में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। जन आक्रोश यात्रा में यात्रा प्रभारी कमलेश्वर पटेल एवं कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर जमकर हमला बोला। इन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने का निवेदन आम जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किया। पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश का विकास होगा और सरकार की हर योजना का लाभ आम जनता को मिलेगा। जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार ने 18.5 वर्षों से लूट खसोट की है, जिस तरह से पूरे प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है, भ्रष्टाचार का कोई परसेंटेज ही नहीं बचा है, और जहां आप नज़र दौड़ाइए घोटाले पर घोटाले हुए, 250 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में घोटाले हुए हैं। कारमदेव घोटाला, महालोक घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, MPPSC घोटाला, पटवारी परीक्षा घोटाला, ऐसे बड़ी लंबी फहरिस्त है। एक घोटालेबाज प्रदेश कर दिया है शिवराज सिंह चौहान ने। जन आक्रोश समझ में आता है कि ये जनता की आक्रोश है, और जिस तरह से जनता आक्रोशित है, नौजवान आक्रोशित हैं, किसान आक्रोशित हैं, गरीब आक्रोशित हैं, क्योंकि प्रदेश की सरकार किसी की सुन नहीं रही है। तो जन आक्रोश प्रदेश की जनता की है और कांग्रेस जनता के साथ है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।